हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन द जीनियस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करेंगे सिग्नल कैसे मिलता है हमको प्रोटॉन एनएमआर का, ठीक है, उनके पोजीशंस क्या होते हैं और केमिकल शिफ्ट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पोजीशन ऑफ प्रोटॉन एनएमआर सिग्नल्स। बात करेंगे केमिकल शिफ्ट की, ठीक है भाई। चलिए, तो जनरली ये जो आपका एनएमआर सिग्नल है प्रोटॉन का, उसका पोजीशन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, पोजीशन हमको क्या बताता है? तो प्रोटॉन एनएमआर का जो पोजीशन है ये कुछ नहीं बताता, बल्कि ये जो है डिफरेंट डिफरेंट जो आपके प्रोटॉन हैं उनके केमिकल इन्वायरमेंट के बारे में बताता है। तो पोजीशन ऑफ सिग्नल ऑफ प्रोटॉन इन प्रोटॉन एनएमआर इस टेल्स अबाउट द केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटॉन। क्लियर है? चलिए, तो मैं क्या बताया यहां पर, तो बोलते हैं कि ये पोजीशन जो है ये क्या बताता है भाई, तो ये केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ प्रोटॉन ये बताता है। ठीक है, अब देखिए केमिकल शिफ्ट के ऊपर आता हूं मैं। अब बात करते हैं केमिकल शिफ्ट की, तो ये पोजीशन को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आपका प्रोटॉन है तो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट होगा, तो केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है तो उसका डिफरेंट पोजीशन होगा। अब ये जो आपका पोजीशन आएगा सिग्नल का, वो एक पर्टिकुलर रेफरेंस से कितने डिस्टेंस पर है, उसी को हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। क्लियर है? क्या बोल दिया मैं केमिकल शिफ्ट के बारे में भाई? तो पोजीशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम रेफरेंस इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। तो इसके लिए जो आपका फार्मूला निकलता है वो फार्मूला अपन जस्ट इसके बाद देखते हैं। उससे पहले मैं आपको क्या बताता हूं, एक रेफरेंस वर्ड यूज हुआ यहां पर कि जो रेफरेंस के सिग्नल से जितना डिस्टेंस होगा किसी प्रोटॉन एनएमआर का, उसी को हम उस प्रोटॉन एनएमआर के लिए केमिकल शिफ्ट बोलेंगे। तो यहां पर हमको ये क्वेश्चन उठता है हमारे माइंड में कि रेफरेंस क्या है, यहां पर कौन सा चीज रेफरेंस में यूज होता है। तो बोला जाता है, देखिए भाई, इन प्रोटॉन एनएमआर टीएमएस, क्या बोलते हैं इसको, टेट्रा मेथाइल सिलेन, ये आपका क्या होता है, रेफरेंस की तरह यूज में लिया जाता है। क्लियर है भाई? ठीक है, अब यहां पर ये क्वेश्चन उठता है कि टीएमएस को एज अ रेफरेंस क्यों लिया जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं, तो ये जो आपका इसका स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, ये लीजिए टेट्रामेथाइल सिलेन, ये लो। पॉइंट ग्रुप क्या होगा, तो पॉइंट ग्रुप होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब बात आती है कि इसको एज अ रेफरेंस क्यों यूज में लेते हैं। तो इसको रेफरेंस के रूप में यूज में लेने का क्या कारण है, तो आप ध्यान देंगे यहां पर इसके पास खुद का एक क्या है, प्रोटॉन है इसमें, है देखो ये प्रोटॉन टेट्रामेथाइल सिलेन। अब ये जो प्रोटॉन है ये सभी के सभी इक्विवेलेंट है, तो क्या बोला जाएगा कि दे कंटेन 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन, 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अब ये जो आपके 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है ये हाईली शील्डेड होते हैं, क्या होते हैं, हाईली शील्डेड। अब शील्डिंग और डीशील्डिंग के बारे में अपन बात करेंगे, और हाईली शील्डेड होने के कारण यहां पर वो हाईली शील्डेड जोन पर जिसका वैल्यू क्या होता है, डेल इज इक्वल टू जीरो पर एक शार्प पिक देते हैं। और शार्प पिक क्यों देते हैं, क्योंकि ये जो है नंबर में भी बहुत हाई है, 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ठीक है, और हाईली शील्डेड जोन में होते हैं जहां पर बोला जाता है कि इसका डेल का वैल्यू जीरो मान लिया जाता है, और वहीं पर जो सिग्नल मिलता है उसको टीएमएस का सिग्नल प्रोटॉन एनएमआर में कंसीडर किया जाता है। अभी मैं आपको एनएमआर स्केल दिखाऊंगा, ठीक है भाई।
अब और इसके और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण हम इसको रेफरेंस में लेते हैं, तो सबसे पहले तो ये जो है इजिली अवेलेबल होता है, और आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट सभी में क्या होता है, ये डिजॉल्व होता है, ठीक है भाई। उसके साथ साथ इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जब लो होगा तो यहाँ पर आप इजिली अब अपने उसको सॉल्यूशन या सैंपल से इसको बाहर करना चाहें तो इसको आप क्या कर देंगे, थोड़ा सा वेपराइज कर दो, ये अपना वेपराइज हो जाएगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है भाई। तो ये सभी जो फीचर्स हैं इसके कारण टीएमएस को एज अ रेफरेंस एनएमआर प्रोटॉन एनएमआर के में यूज लिया जाता है, क्लियर है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं एनएमआर स्केल की, ठीक है। तो जनरली अगर मैं बात करूं प्रोटॉन एनएमआर स्केल, ठीक है, तो आप सब जानते हैं डेल स्केल टाउ स्केल ऐसा कुछ वर्ड आप सुने होंगे। तो होता क्या है, एक स्केल माना कंसीडर किया जाता है प्रोटॉन एनएमआर में, और जल्दी आप देखोगे जब प्रोटॉन एनएमआर का आप सिग्नल लेते हैं प्रोटॉन एनएमआर से जो भी है किसी भी एनएमआर का सिग्नल आता है तो इसी टाइप का आपको सिग्नल होगा, एक रेफरेंस होगा, फिर यहां से ऐसे जिग-जैग आपका जो स्पेक्ट्रम एनएमआर स्पेक्ट्रम आपको मिलता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना मैं क्या क्या चीजें बोलता हूं, देखिए यहां पर ये जो है आपका ये वैल्यू होता है जीरो, और इसको बोलते हैं डेल इन पीपीएम, ठीक है भाई, डेल वैल्यू है इन पीपीएम। यहां पर अपन आप इसको कंसीडर कर लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ध्यान देना भैया, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ये जो आपका स्केल है वो 1 to 15 पीपीएम के तरह माना जाता है, 1 to 15 पीपीएम। लेकिन जब भी आप बात करेंगे ना तो ध्यान अगर आप दे देते होंगे तो यहां पर ये 10 तक ही दिखता होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो ये जो है जब 1 to 15 है तो क्या ये जरूरी है कि वो 0 से 10 ही दिखाएं? तो भैया एनएमआर का सिग्नल में जब मिलता है तो वो कभी भी 10 से इधर भी आ जाता है और ये 0 से इधर भी आ जाता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। लेकिन यहां पर 0 से 10 लेने का मतलब ये होता है बिकॉज ऑफ इजी इंटरप्रिटेशन, कि जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा उसको आप इजिली क्या कर सके, इंटरप्रिटेट कर सके, आप आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए इसको 0 से 10 के बीच रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर है। अब बात करता हूं मैं यहीं पर, ये जो आपका एक और स्केल होता है जिसे हम टाउ स्केल बोलते हैं, टाउ स्केल में इसका वैल्यू होता है 10, ये आपका हो गया 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये 0, क्लियर है भाई, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं इसको मिटा रहा हूं, अब यहां हम स्केल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये क्या क्या यहां से हम समझ सकते हैं और कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, देखना, ठीक है भाई। इसमें ये जो जोन होता है, ठीक है, डेल में अगर बात करूं तो 0, 1, 2, 3, तो ये बोला जाता है कि अगर आप दाएं तरफ चलते हैं तो इसको बोलते हैं हाई शील्डिंग, ठीक है, या हाई शील्डिंग जोन की तरफ आप बढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप बाएं तरफ मूव करते हैं तो इसके लिए बोला जाता है लो शील्डिंग जोन, और इसी को ही क्या बोल देते हैं डी शील्डिंग। ध्यान देना भाई, मैं बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, यहां से आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन ही आएगा ज्यादातर, आपको 4 मार्क्स में आते हैं सीएसआईआर नेट में भी, हर बार आता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है
जिसमें ये छूटता होगा। क्लियर है? ठीक है, तो देखो अगर मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूं तो इसको क्या बोलूंगा मैं कि लो शील्डिंग जोन में जा रहा हूं, जिसको बोलते हैं डी शील्डिंग जोन। और अगर मैं बाएं तरफ जा रहा हूं, सॉरी दाएं तरफ जा रहा हूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, हाई शील्डिंग जोन में जा रहा हूं। शील्डिंग और डी शील्डिंग आप समझते होंगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक की जो आपका इन्वायरमेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट, कितना आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वहां पर, उसके बारे में हम जनरली इसको बात करते हैं। ठीक है भाई, स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट ये सब दुनिया भर का आप बात करते हो। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो ये जो आप देख रहे होंगे डेल स्केल और टावर स्केल, इसमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है भाई? तो अगर ध्यान दोगे तो इन दोनों का एड जो है हमेशा 10 हो रहा है। यहाँ 10 प्लस 0 10, 9 प्लस 1 10, 8 प्लस 2 10। तो यहां पर एक्चुअली दिक्कत नहीं होना चाहिए कि टाउ प्लस अगर मैं डेल करूंगा तो क्या रिलेशन निकल रहा है, 10। दैट मींस अगर टाउ बराबर अगर बात करें तो टाउ इज इक्वल टू 10 माइनस डेल। तो आपको अगर वैल्यू डेल में दिया है, ठीक है, इन पीपीएम में दिया है, तो उसको टाउ स्केल में चेंज करेंगे तो ये आप यहां से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? अब चलिए मैं आपको ये जो आपका एक स्केल है उसको याद करने का तरीका बताता हूं कि अगर आप कंफ्यूज हो गए तो चीजों को आप कैसे याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर मैं एक रिलेशन शो कर रहा हूं, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। ये लो, अब ये क्या है भाई, डी का वैल्यू मीनिंग क्या है? तो इस डी का वैल्यू का डी का मतलब है डाउनफील्ड, या आप ये बोल सकते हैं डी शील्डिंग, डी शील्डिंग। ये लो, डी शील्डिंग, डी शील्डिंग को ही क्या बोलते हैं, इसका मतलब है डाउनफील्ड। कई बार आपको क्वेश्चन में डाउनफील्ड लिखेगा, अपफील्ड, डाउनफील्ड, इस टाइप से आपको रिप्रेजेंट करेगा क्वेश्चन में। ठीक है, इस डी को आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ये जो आपको डी है ये क्या है भैया, इसका वैल्यू है मतलब डेल वैल्यू, डी से डिक्रीज नहीं, डेल वैल्यू इंक्रीज। क्लियर है? अब देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, मतलब जब डाउनफील्ड होगा, डाउनफील्ड बोलेगा मतलब डी शील्डिंग बोल रहे हैं ये लोग। ठीक है, इस डी का मतलब है डेल का वैल्यू इंक्रीज। तो देखो डी शील्डिंग बोल रहा हूं, जैसे जैसे लेफ्ट साइड जा रहा हूं डेल का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो याद कर लोगे आप, ये हो गया आपका इस एनएमआर स्केल के बारे में। ठीक है भाई, आप इसको थोड़ा सा जब हम बात करेंगे आगे तो आप इसको समझोगे, आपको इतनी चीजें यहां से पते होने चाहिए। ठीक है, अब यहां पर एक चीज हम भूल गए कि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है वो आपको स्टेटमेंट में कि प्रोटॉन एनएमआर में सॉल्वेंट कौन कौन से यूज होते हैं। तो थोड़ा सा अपन सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं। तो सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज क्या किसको लिया जाता है, तो यहां पर जनरली ऐसे सॉल्वेंट यूज में लिए जाते हैं जिनमें प्रोटॉन अब्सेंट हो। क्यों? क्योंकि हम प्रोटॉन एनएमआर की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन का ही हमको सिग्नल मिलेगा, तो सॉल्वेंट जिसमें खुद प्रोटॉन हो तो वो खुद अपना क्या करेगा, सिग्नल देगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए इसमें जो है जनरली CDCl3, एक्चुअली आपका CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसके आइसोटोप ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, वैसे ही CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी आपका यूज में लेता है, यहाँ इसमें प्रोटॉन ही नहीं है। देखिए उसके बाद एसीटोन, एसीटोन D6, DMS D6, सॉरी DMSO D6। ठीक है, अब देखो एसीटोन D6 का मतलब क्या है, तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO CH3, यही होता है। तो इस एसीटोन D6 का मतलब है कि यहां पर ये जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा ड्यूटोरियम आइसोटोप से, ये लो CD3 और ये CD3 D6। वैसे ही डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में भी
जो डाइमिथाइल दो ठो मिथाइल ग्रुप है उसका सभी प्रोटॉन 6 हाइड्रोजन सॉरी 6 डिटोरियम से सब्स्टिट्यूटेड रहेगा। क्लियर है? तो इन सभी को जनरली प्रोटॉन एनएमआर में एज अ सॉल्वेंट यूज लिया जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया थोड़ा सा आपका जनरल फिनोमिना कि आपके जो है केमिकल शिफ्ट्स क्या होती हैं, उसका जनरल डेफिनेशन, फिर आपको पोजिशन ऑफ सिग्नल्स क्या बताता है, फिर आपका ये स्केल। अब अपन बात करते हैं केमिकल शिफ्ट्स के फॉर्मूले की तरफ, ठीक है? उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम आगे जंप करेंगे इसके डेल वैल्यू के ऊपर। क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं केमिकल शिफ्ट की। केमिकल शिफ्ट अभी बात किए, ये जो केमिकल शिफ्ट होता है आपका, केमिकल शिफ्ट इसको डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी मैं क्या बोला कि केमिकल शिफ्ट कुछ नहीं है बल्कि किसी प्रोटॉन एनएमआर के सिग्नल का उसके रेफरेंस से जो डिस्टेंस होता है उसी को रिप्रेजेंट करता है। इसका फार्मूला होता है आपका डेल इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू सैंपल माइनस म्यू रेफरेंस बटे में, ठीक है भाई, बटे में ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये होता है आपका हर्ज में, ये भी होगा आपका हर्ज में। तो ये डेल जो होगा किसमें होगा, तो ये होगा पीपीएम में। क्लियर है? क्या बोल दिया मैं बोल दिया कि अगर ये आपका जो है फ्रीक्वेंसी जो आप रिप्रेजेंट करेंगे वो हर्ज में होगा, तो ये और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी अगर हर्ज में है तो ये जो है डेल का वैल्यू, केमिकल शिफ्ट का वैल्यू पीपीएम में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? लेकिन क्या होता है एनएमआर में जो आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो जनरली मेगा हर्ज यूनिट में होती है, और मेगा हर्ज यूनिट में जब आप क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे तो यहां पर कुछ यहां पर चेंजेस होंगी। जैसे कि आपको पता है चूंकि एक मेगा हर्ज बराबर 10^6 हर्ज होता है, तो एक हर्ज बराबर क्या होगा, तो ये होगा आपका 10^-6 मेगा हर्ज इज इक्वल टू 1 हर्ज। अरे क्लियर है? तो यहां पर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखो ये डेल म्यू ही हो गया, ये किस में होगा, हर्ज में, ठीक है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हर्ज में था, मेगा हर्ज में, तो एक हर्ज बराबर कितना मेगा हर्ज, तो ये होगा 10^-6 मेगा हर्ज। ये लो हो गया भाई। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा तो ये 10^6 ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो डेल न्यू इन हर्ज बटे में ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये किस में आ गया, अब मेगा हर्ज में। देखो लेकिन जब मेगा हर्ज में मैं चेंज किया तो 10^-6 ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10^6। तो इस कंडीशन में भी आपका ये जो डेल है वो किस में होगा, इन ppm। अरे क्लियर है? मतलब आपको हर्ज और मेगा हर्ज में अगर ये दिया होगा तो इसका मतलब ये है कि इस फार्मूले के यूज कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे ही आप ये बिना यूनिट कन्वर्जन के ppm में वैल्यू निकाल लेंगे। अरे क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, द कंपाउंड CH3X, ये एक CH3X कंपाउंड है, उसमें बोल रहा है कि द मेथाइल प्रोटॉन अपीयर्स 240 हर्ज मोर फ्रीक्वेंसी देन रेफरेंस व्हेन इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट एट 100 मेगाहर्ट्ज। मतलब वो बोल रहा है कि जो आपका ऑपरेटिंग, ये जो आपका प्रोटॉन कहां पर अपीयर होता है उसका सिग्नल, रेफरेंस से 240 हर्ज और दूर में, ठीक है। मतलब वो डेल म्यू दे दिया है, ठीक है। अब यहां पर कब बोला है, जब वो आपका इंस्ट्रूमेंट 100 मेगाहर्ट्ज में ऑपरेट होता है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, तो इस कंडीशन में आपको बताना है कि डेल दैट मींस केमिकल शिफ्ट का वैल्यू क्या है, मतलब इन पीपीएम में और टाउ स्केल दोनों में बताना है अपने को। और एक दूसरा बताना है कि इफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 500 मेगाहर्ट्ज देन डेल वैल्यू केमिकल शिफ्ट क्या आएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो हमको गिवन डेटा क्या है, तो क्या हमको डेल म्यू दिया है क्या? अरे डेल म्यू दिया है क्या भाई? क्या बोला है? 240 हर्ट्ज दूर है, किससे? रिफरेंस से। तो आपको डिफरेंस ही तो दिया है, तो डेल म्यू इज इक्वल टू 240 हर्ट्ज। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या दिया है? ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दिया है आपका 100 हर्ट्ज। ठीक है, अच्छा अब बताइए आप फॉर्मूला क्या होता है। डेल इज इक्वल टू डेल न्यू किसमें? हर्ज में। या आपका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी किसमें? मेगा हर्ज में। इनटू 10^6 तो ये किसमें निकलता है? पीपीएम में। आपको किसमें बताना है? डेल इन पीपीएम और टाउ स्केल दोनों में बताना है भाई। चलिए अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है, वैल्यू रखना है आपको। तो पहला सॉल्यूशन क्या होगा? डेल इज इक्वल टू ppm में निकाल रहा हूं भाई पहले मैं, तो डेल इज इक्वल टू 240 हर्ज बटे में 100, सॉरी ये हर्ज नहीं है, मेगा हर्ज है, 100 मेगा हर्ज, ठीक है, इनटू 10^6। अब मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो इस मेगा हर्ज को हर्ज में कन्वर्ट करूंगा, तो यहां पर सीधा 1 मेगा हर्ज बराबर 10^6 हर्ज। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं भाई, 1 हर्ज कर दूंगा और 10^6 हर्ज में कन्वर्ट हो गया ये। अब देखो ये 10^6 से 6 कैंसिल, हर्ज से हर्ज कैंसिल, तो ये कंडीशन में क्या होता है, डेल पीपीएम में हम निकालते हैं, पीपीएम में हमको वैल्यू मिलता है, और ये इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, देख लो 2.4 ppm। केमिकल शिफ्ट का वैल्यू आपको क्या मिला? दैट मींस जो हम स्केल बनाए थे ये जीरो था आपका, किसका? टीएमएस का, ठीक है। तो ये जो टीएमएस है उसका जीरो वैल्यू था, तो यहां पर ये 2.4 पर हमको ये डेल का वैल्यू मिलेगा। ये लीजिए 2.4 के पास आपको ये सिग्नल इसी मेथाइल प्रोटॉन का मिल रहा है, ठीक है। अब वो क्या पूछा है, टाउ स्केल में भी पूछा है, तो आपको पता है टाउ स्केल इज इक्वल टू 10 - डेल, दैट मींस 10 - 2.4, तो ये क्या हो जाएगा अभी, सॉल्व कर सकते हैं आप, 6.7, ये लीजिए, ठीक है भाई। तो ये वैल्यू आपका किस में आ गया, टाउ स्केल में आ गया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है आपका, अगर मैं इसी मेथाइल प्रोटॉन को किसी दूसरे सैंपल में उसमें रखता हूं, इंस्ट्रूमेंट में रखता हूं, जिसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना है, 500 मेगा हर्ज, देन डेल वैल्यू विल बी, मतलब आपका डेल का वैल्यू कहां आएगा, तो इसका सॉल्यूशन है, देन बोलोगे आप नो चेंज इन डेल वैल्यू, दैट मींस अभी भी आपका कितना ppm पर आएगा, 2.4 ppm पर डेल का वैल्यू आएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि भाई आप एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ज्यादा पावरफुल है, एक कम पावरफुल है, तो क्या उसका पोजीशन आप सिग्नल चेंज कर देगा क्या? नहीं। तो पोजीशन ऑफ सिग्नल यहां पर नो इफेक्टेड होते हैं, इसमें चेंजेस नहीं आते। दैट मींस आप ये बोल सकते हैं कि केमिकल शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट, केमिकल शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट टू दी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये जो आपका केमिकल शिफ्ट का वैल्यू डिपेंड नहीं कर रहा है। अरे क्लियर है भाई, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं इंटेंसिटी ऑफ एनएमआर सिग्नल, ठीक है। देखिए चलिए बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ एनएमआर सिग्नल की। इंटेंसिटी ऑफ एनएमआर सिग्नल होता क्या है, कई बार आप एनएमआर स्पेक्ट्रम में देखे होगे कई पीक एकदम बहुत बड़े ऊंचे दिखते हैं, कई छोटे, तो बहुत यहां पर कई एकदम मीडियम साइज, तो ऐसे वेरिएशन होता है उसके हाइट्स में, तो उसकी इंटेंसिटी में ये वेरिएशन क्यों आ रहा है? तो बोला जाता है कि
इंटेंसिटी, चलिए जस्ट लिख देता हूं, इंटेंसिटी ऑफ एनएमआर सिग्नल, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ एनएमआर सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन। मतलब कुछ नहीं है, जैसे होता क्या है कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन का संख्या जो है ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो उसका हाई पीक आ जाएगा, और इक्विवेलेंट प्रोटॉन की संख्या कम है तो उसका छोटा पीक आएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन, ठीक है। अब देखिए, सपोज मैं दो टाइप के आपके प्रोटॉन ले रहा हूं, इफ एच एक्स एंड एच वाई, ये दो टाइप के इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, कोई सैंपल है, ठीक है। इसमें मेरे को इसकी इंटेंसिटी रेशियो अगर चेक करना है तो क्या क्या फार्मूला लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो देखिए, इंटेंसिटी रेशियो अगर अपन इसका चेक करते हैं तो मैं बोलूंगा इंटेंसिटी ऑफ एच एक्स, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ एच एक्स रेशियो किसका चेक करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ एच वाई प्रोटॉन, ठीक है, किसके बराबर होगा भाई, तो ये बराबर होंगे पॉपुलेशन ऑफ एच एक्स रेशियो पॉपुलेशन ऑफ एच वाई, यही तो होगा। अरे एक्चुअली है क्या ये, तो ये कुछ नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ एच एक्स बटे में इंटेंसिटी ऑफ एच वाई किसके बराबर होगा, डायरेक्टली रिलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ एच एक्स बटे में पॉपुलेशन ऑफ एच वाई। अरे यही तो किया हूं, अरे ठीक है, चलिए। अब आप बोलेंगे सर पॉपुलेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पॉपुलेशन, तो सीधी सी बात है, अगर एच एक्स दिया है और एच वाई दिया है और आपको गिवन है क्वेश्चन में मोल्स, उसके मोल्स, तो उसके मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आप क्या निकल जाएगा, पॉपुलेशन ऑफ एच एक्स। तो अगर आपको मोल्स गिवन हो तो आप क्या करेंगे, तो मोल्स जब गिवन हो तो हम लिखेंगे एन एक्स, सॉरी एन एच एक्स इंटू नंबर ऑफ एच एक्स, अरे ठीक है, बटे में एन एच वाई इंटू नंबर ऑफ एच वाई। मतलब एक एक आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने एच वाई हैं और उसके कितने मोल्स दिए हुए हैं, ये लो उसका पॉपुलेशन निकल गया। तो मैं पॉपुलेशन ही तो बता रहा हूं। और एक कंडीशन क्या हो सकता है, आपको उसका कंसंट्रेशन दिया जा सकता है। अगर देखो बात करते हैं कि दोनों एच एक्स और एच वाई को एक ही सैंपल में आपको क्या कर दे, घोल दिए, अब उसका एनएमआर ले रहे हैं तो उसका कंसंट्रेशन तो होगा, कोई ज्यादा मिला, एच एक्स को ज्यादा मिला दिए, एच वाई को कम मिला दिए, तो उनका कंसंट्रेशन चेंज हुआ कि नहीं उस सॉल्यूशन में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंसंट्रेशन दिखाना पड़ेगा आपको, सी एच एक्स इंटू नंबर ऑफ एच एक्स बटे में सी एच वाई इंटू नंबर ऑफ एच वाई, ये लो। तो यहां से इन तीनों फार्मूले को यूज करके आपको ये दे सकता है, ये दे सकता है और ये दे सकता है। आप किसी भी दो डिफरेंट केमिकल एनवायरमेंट वाले प्रोटॉन के बीच क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी रेशियो निकाल सकते हैं कि कौन किसकी तुलना में शार्प आएगा और कौन किसकी तुलना में छोटा आएगा। अरे क्लियर है, ठीक है, चलिए चलिए। अब देखिए यहां पर एक हम क्वेश्चन करते हैं इन चीजों को समझने के लिए कि कैसे हम इंटेंसिटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं या उस रिलेशन से रिलेटेड और कोई भी चीजों को हमको पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ टू कंपाउंड, दो कंपाउंड दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है, इज 2:3 इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इन द सैंपल ट्यूब इज 2 मोलर, ठीक है, देन कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड बी, उस सैंपल ट्यूब में आपका कंसंट्रेशन क्या है कंपाउंड बी का, यही तो पूछा है। तो अल्टीमेटली आपको यह समझ आना चाहिए कि गिवन डेटा क्या है और पूछा क्या है।
तो आपको फार्मूला पता होगा इंटेंसिटी रेशियो और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है। तो अभी आपका लास्ट वाला जो थर्ड नंबर का मैं रिलेशन लिखा था कि इंटेंसिटी ऑफ ए और इंटेंसिटी ऑफ बी, इसके बीच अगर कंसंट्रेशन दिया हो, तो लास्ट वाला लिखा था क्या, सी एच एक्स, और एच एक्स के जगह हमें क्या दिया है, सी एच ए इंटू नंबर ऑफ, ठीक है, एच ए मतलब नंबर ऑफ एच ए प्रोटॉन इंटू सी एच ए बटे में सी एच बी, मतलब बी जो आपका मॉलिक्यूल है उसका कंसंट्रेशन क्या है और उसमें नंबर ऑफ एच बी कितने। तो यहां से मैं पता लगा लूंगा कि क्या क्या गिवन डेटा है और क्या पूछा गया है। तो आपको पूछा क्या है, कंपाउंड बी का कंसंट्रेशन। तो ये आपको क्या किया गया है, पूछा गया है। अब गिवन डेटा क्या है, तो देखो इंटेंसिटी रेशियो क्या दिया है, तो इंटेंसिटी रेशियो दिया है आपको 2:3, दैट मीन्स आई ए और आई बी क्या दिया है, 2:3। सी एच ए क्या दिया है, तो सी एच ए कंपाउंड ए का कंसंट्रेशन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इन द सैंपल ट्यूब इज 2 मोलर सी एच ए। अरे क्लियर है भाई। तो देखो क्या क्या दिया है, गिवन है आई ए इज इक्वल टू 2:3, आई बी इज इक्वल टू 3, क्लियर है भाई। और क्या दिया है, सी एच ए इज इक्वल टू 2 मोलर, सी सी एच बी ये आपको पूछ लिया है कितना मोलर। तो यहां पर बताओ नंबर ऑफ एच ए और नंबर ऑफ एच बी तो गिवन ही नहीं है, तो कैसे सॉल्व करूंगा मैं। तो आपको देखना है कि इस कंपाउंड में कितने इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है। तो देखो यहां पर ये लो एक प्लेन लगेगा, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये प्लेन लगेगा तो ये दोनों बराबर। तो कहने का मतलब यहां पर एक प्रोटॉन है, ये लो और ये लो, कितने प्रोटॉन है भाई, एच ए, दैट मीन्स एच ए दिया हुआ है आपका 4, क्लियर है। एक यहां है, एक यहां है, एक यहां और यहां, सभी इक्विवेलेंट है। आप देख सकते हैं यहां से प्लेन लगाओगे तो ये दोनों बराबर, ये वाला प्लेन लगाओगे तो ये दोनों बराबर, सभी प्रोटॉन इक्विवेलेंट है। एच ए इज इक्वल टू 4। एच बी कितना दिया है, तो एच बी दिया है आपका, ध्यान देना, ये वाला मैं प्लेन लगाता हूं एक क्लोरिन को काटते हुए, तो ये मेरा जो है दोनों बराबर हुए। अरे ठीक है, अब देखना ये वाला प्लेन लगाऊंगा, ये क्लोरीन और ये बी वाला ऐसे काटूंगा, तो ये बी और ये बी, यहां भी तो प्रोटॉन है, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। ये वाला प्लेन लगाऊंगा तो ये दोनों बराबर, दैट मीन्स 3 प्रोटॉन है इसमें और तीनों ही तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अरे कितने सिग्नल, एक सिग्नल तीनों मिला के, और लेकिन कितने प्रोटॉन है, 3। तो देखो ये यहां पर आपको गिवन डेटा मिल गए। अब आपको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो ये है आपका 2:3, सी एच ए क्या क्या है भैया, 2 मोलर, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ एच ए इज इक्वल टू 4, सी एच बी हमको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एच बी इज इक्वल टू 3। आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, मेरे को क्या चाहिए, सी एच बी, तो ये हो जाएगा, इधर ला लो तो ये 2 × 4 × 3 बटे में 3 × 2, ये लो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कंसंट्रेशन ऑफ सी एच बी इज इक्वल टू 4 मोलर। अरे क्लियर है भाई। देखो यहां पर ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे, आसानी से आपको कंसंट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको इंटेंसिटी पूछ सकता है, कंसंट्रेशन पूछ सकता है, नंबर ऑफ एच ए पूछ सकता है, नंबर ऑफ एच बी पूछ सकता है, तो इन रिलेशन से आपको कुछ भी पूछ सकता है। वो 3 डेटा आपको गिवन होगा, एक आपको आइडेंटिफाई करना हो। अरे क्लियर है भाई। तो ये हो गया इंटेंसिटी की बात, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब एनएमआर का सबसे मेन कंटेंट, कि आपको केमिकल शिफ्ट्स का वैल्यू कैसे याद होता है, क्यों, क्योंकि आप देखे होंगे जनरली आपको डेटा इंटरप्रिटेशन ही करना आता है एनएमआर में, आपको कंपाउंड आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं उनके एनएमआर स्पेक्ट्रम के डेटा को देख करके कि ये कौन से कंपाउंड का होगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर मैं आपको थोड़ा सा सिंपल सा कि कैसे हमको याद कर सकते हैं डेटा को, उसके बारे में मैं चलता हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये लो यहां पर ये आपका
एक स्केल है जिसमें ये सिग्नल आपका टीएमएस का होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये लो। ठीक है, मैं आपको बताया था ये जो आपके वैल्यू है किसमें है, डेल में है, पीपीएम में होते हैं। ठीक है, डेल वैल्यू केमिकल शिप्स के वैल्यू है ये। और यहीं पर आपका क्या होता है टाउ का वैल्यू, टाउ स्केल ये होता है आपका 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0, ये टाउ स्केल है। अब देखिए हमको कंपाउंड्स डिफरेंट टाइप के, आप यहां पर प्रोटॉन एनएमआर के मैं केमिकल शिफ्ट के वैल्यू को बताऊंगा मैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन जब होंगे तो उनका केमिकल शिफ्ट का वैल्यू कहां आएगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मैं आपको एकदम फिक्स वैल्यू नहीं बताऊंगा, आपको वेरिएबल होना पड़ेगा, एकदम थोड़ा बहुत इधर ऊपर नीचे वो वैल्यू आगे पीछे हो सकते हैं आपके क्वेश्चंस में। ठीक है भाई, वो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ये थोड़ा बहुत वेरिएशन कर जाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा तो अगर मैं केमिकल शिफ्ट की यहां पर मैं जितना भी आपको मैं वैल्यू बताऊंगा वो पीपीएम में बताऊंगा, डेल का वैल्यू बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रेफरेंस की, टीएमएस। टीएमएस का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 ppm। टीएमएस ट्राइमेथाइल सिलेन रेफरेंस यूज होता है आपका प्रोटॉन एनएमआर में, कार्बन 13 एनएमआर में भी। ठीक है, तो उसका वैल्यू जो है डेल पीपीएम में 0 होता है। अब उसके बाद आपको याद रखना है साइक्लोप्रोपेन, ये क्या है आपको साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन का वैल्यू आता है 0.2 से 0.4 के बीच, मतलब ये बहुत पास होगा किसके, टीएमएस के, यहां पर आपका सिग्नल आएगा। ठीक है भाई, ये अराउंड इसके आसपास आएगा आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको याद रखना है एल्केन की, ये लो किसकी याद रख, किसका याद रखना है एल्केन। अब एल्केन की अगर मैं बात करता हूं तो एल्केन का जो आपको डेटा याद रखना है, देखो कैसे याद रखना है, 0.9 से 1.9, अरे याद हो जाएगा क्या, 0.9 से 1.9 इसमें भी आपको ये एल्केन भी तो तीन टाइप के होते हैं क्या भाई, बात करें तो एक प्राइमरी एल्केन होता है, जैसे बात करूं मैं ये लो RCH3, सेकेंडरी तो बात करते हैं R2CH2, टर्सरी तो ये हो जाएगा R3CH। तो देखना ये जो आपका CH3 है मतलब वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो एक और एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब एक और एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है 0.9 से 1.2, याद हो जाएगा। सेकेंडरी वाले जो आपका ये CH2 होता है इसका होता है 0.33 से 0.5। ठीक है, और ये जो आपका टर्सरी वाला हाइड्रोजन होता है इसका होता है 1.5 होगा और ये 1.3 होगा, ये 1.5 होगा, 1.5 से 1.9, ऐसे याद रखना है। तो आपको याद ये रखना है, फिर यहां पर आपको थोड़ा सा जैसे ही मैं आपको फैक्टर अफेक्टिंग बताऊंगा कि कैसे डेल का वैल्यू जो होता है चेंज होता है, उसमें आपको बहुत आसानी से समझ आएगा कि एक्चुअली डेल का वैल्यू ये वेरिएबल वेरिएशन क्यों कर रहा है। ये जो होते हैं जनरली आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दैट मीन्स शील्डिंग और डिसील्डिंग के कारण होते हैं। यहां पर मैं आपको फैक्टर अफेक्टिंग में अच्छे से डील करूंगा कि क्यों ये थोड़े से बढ़ गए और क्यों ये थोड़े से कम है। क्लियर है, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आप यहां पर एल्काइन की, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ठीक है भाई, तो जब ये एल्काइन होगा तो एल्काइन का वैल्यू कहां आता है, तो याद रखेंगे ये इसका वैल्यू, ये वाले हाइड्रोजन का वैल्यू जो किसी ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा रहता है उसका वैल्यू आता है 2.0 से 3.0 के बीच। अरे ठीक है भाई,
इतना जान लोगे, ठीक है। यहीं पर मैं आपको डबल बॉन्ड वाला भी बता देता हूं। डबल बॉन्ड वाला क्या है, दैट मीन्स ये CH2 और ये CH2। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसका वैल्यू कहाँ आता है, तो ये 5.5 से 6.5 के बीच, 4.5 to 6.5 के बीच ये वैल्यू आता है। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पर एल्केन को और एल्कीन वाले हाइड्रोजन और एल्काइन वाले हाइड्रोजन, ये तीनों को मैं यहाँ पर बता दिया। एक्चुअली हमको डेटा को याद नहीं रखना है, हमको तो सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या मेनली दिखता है। तो हमको एल्केन तो दिखेगा ही, आपको एल्काइन दिख सकता है, डबल बॉन्ड दिख सकता है, ट्रिपल बॉन्ड दिख सकता है। तो ऐसे चीजों को याद रखना है कि हमको क्वेश्चन में क्या दिख सकता है। तो अगर आपको यही याद नहीं रहेंगे तो कैसे आप बताओगे कि इसका डेटा क्या होता है। तो पहले इनको याद रखो, ठीक है, तभी आपको यार डेटा याद हो पाएंगे। अरे क्लियर है। अब मैं बात करता हूं, आपको CH3 बहुत टाइप टाइप के दिखेंगे। CH3 कभी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, कभी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, कभी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ। तो जो हमको ज्यादा दिख सकते हैं उनका डेटा याद करते हैं ना, ठीक है। चलो तो मैं आपको यहां पर अब मैं CH3 की कहानी बताता हूं कि CH3 जो है क्या क्या गुल खिलाता है भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं CH3 जब येलो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, एक घटना घट सकता है जब ये CH3 एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ हो, एक और घटना घट सकता है जब ये CH3 जो है कीटोन ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, अरे ठीक है, और एक बात हो सकती है कि ये जो है आपका CH3 ईथर ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, ROR, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है भाई कि जब ये CH3 किसी हैलाइड से जुड़ा हो, दैट मीन्स किसी X से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। इतना घटना तो हमको जनरली किसी भी मॉलिक्यूल में हमको मिलता है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का तो यही सब तो दिखते हैं। तो यहां पर CH3 के डेटा आपको याद होने चाहिए, मतलब होने चाहिए। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है, ठीक है। बात करूं मैं तो ध्यान देना, ये जो आपका वैल्यू है ये आता है आपका 1.5 से लेकर के 2.0 के बीच, ठीक है। किसके लिए बोल रहा हूं मैं, तो ये CH3 का बोल रहा हूं, कहां आता है 1.5 से 2.0 के बीच। बोल दिया क्या जाता है कि ये 1.8 के आसपास आता है, ठीक है। ये इतना वेरिएशन करेगा, 1.5 और 2.0 लिखो, याद रखो आप, ठीक है। हाँ, इसको देखते हैं कि ये जब एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ हो CH3 और या फिर कीटोन ग्रुप से जुड़ा हुआ तो क्या होता है। तो इसको आपको याद रखना है, सबसे मेन तो यही है। कीटोन आपको दिखेगा, आपको क्वेश्चन में यही आपको कंफ्यूज कराएगा, एक ऑप्शन में कीटोन दिया रहेगा और एक ऑप्शन में ईथर कर दिया रहेगा। अब आप थोड़ा हो तो अप डाउन होगा आपको, तो ये आपको याद होने चाहिए, मतलब होने चाहिए। अरे क्लियर है भाई, ठीक है। तो देखो मजे की बात क्या है कि ये दोनों का वैल्यू बढ़िया सेम टाइप का आता है, और वो क्या है, ये आते हैं 2 से 2.5 के बीच। सब भूल जाना, लेकिन ये वैल्यू मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीटोन आपको दिखते ही हैं। तो यहां पर ये किसका है भाई, तो ये है आपका ये वाले प्रोटॉन का डेटा, ये लो, दोनों ही क्या 2 से 2.5 के बीच आते हैं, ठीक है, आपको ऑप्शन में दिख जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है ईथर की। तो ईथर वाले जो ये हाइड्रोजन है उसका वैल्यू कहाँ आता है, तो ये आता है आपका 3.1 से लेकर के 4.5 के बीच। अरे क्लियर है भाई, ठीक है। और ये जो आपका CH3X है इसका वैल्यू आता है आपका 2.2 से 4.5 के बीच, ठीक है। और ये वेरिएशन कैसे करता है, और X का वैल्यू क्या हो सकता है, तो X का वैल्यू हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है नाइट्रोजन, और ये हो सकता है आपका ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि यही देख लो, यहाँ पर CH3 जो है ऑक्सीजन से जुड़ता है, तो 3.1 से 4.5 तो इसी बीच में तो आ रहा है वो डेटा,
तो ये आपको याद होने चाहिए। देखो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको, जब भी डबल बॉन्ड वाले जो रिंग से अगर जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर ये 1.5 से 2.0, फिर आपका जो है एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होगा CH3 तो उसके प्रोटॉन का, और कीटोन के साथ जुड़ा होगा तो उसके प्रोटॉन का, तो यहाँ पर 2 से 2.5। उसके बाद अगर ये ईथर से जुड़ा हुआ है CH3 तो क्या हो जाएगा 3.1 से 4.5, और उसके बाद ये हाइड्रोजन से जुड़ा होगा तो 2.2 से 4.5। कहने का मतलब क्या है, देखो CH3 0.9 से 1.2 तो आसपास ही भटक रहा है, पूरा CH3 जितने आसपास ही भटक रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा डेल वैल्यू बढ़ा क्यों है, क्योंकि डीसिल्डिंग बढ़ी है। मैं पहले आपको जब टाउ स्कूल बता रहा था तो वहां पर क्या बताया था आपको कि डीसिल्डिंग मतलब डाउनफील्ड और डाउनफील्ड मतलब डेल का वैल्यू इंक्रीज, तो डीसिल्डिंग के कारण यहाँ पर ये जो है इसके डेल के वैल्यू इंक्रीज हो रहे हैं। अरे क्लियर है, ठीक है, तो ऐसे याद करते हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं एल्कोहल की, ठीक है, क्यों, क्योंकि एल्कोहल अपना सिग्नल कहां देता है। मिटा दो भाई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से आप नोट कर सकते हैं, आपको जैसे भी याद हो आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं एल्कोहल की, क्यों, अब मैं थोड़ा सा भूल जाता हूं, कैसे भूल जाता हूं कि यहां पर मैं याद कर लिया कि इसको TMS को, साइक्लोप्रोपेन को, उसके बाद मेरे को दिमाग में क्या रखना है कि मेथाइल का क्या मतलब एल्केन का क्या होता है, तो तीनों एल्कोन याद होना चाहिए, तीनों एल्केन के बाद, और ये CH3 का बहुत सारा अलग अलग जोन में होने के कारण चेंज हो जाता है वैल्यू, तो CH3 के जोन को मैं याद कर लूंगा, ठीक है भाई। उसके बाद डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोजन, ये एक जोन में रखा था। अब मेरे दिमाग में आना चाहिए कि अगर एल्कोहल आ गया अगर क्वेश्चन में तो एल्कोहल का डेटा क्या आता है, करा दे भाई, अरे करा दे, ठीक है। देखो एल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो ये R और ये OH, तो एक ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है कि भाई ये एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ तो फिनॉल, अरे फिनॉल हो गया क्या ये, तो ध्यान देना इसका ये वाला प्रोटॉन है उसका वैल्यू आता है 1.0 से 5.0, मतलब 1 से 5, ठीक है भाई। अब देखो ये जो आपका फिनॉल वाला है इसका जो वैल्यू है ये आता है 4.0 से 12.0 या 12.5, थोड़ा बहुत ये वेरिएशन होता है भाई, क्लियर है भाई, ठीक है, इतना कर लोगे आप। चल तो ये हो गए आपके एल्कोहल वाले, और ये वैल्यू आपके वेरिएबल होंगे, क्यों वेरिएबल होंगे, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान देंगे भाई, इनमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होंगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी तो शील्डिंग और डीशील्डिंग कारण इनमें वेरिएशन आ जाएगा किसमें, डेल के वैल्यू में, क्लियर है। चलिए अब ये हो गए, अब इसके बाद ऐसे ही कुछ एमीन्स वगैरह भी होते हैं क्या, मतलब नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, क्लियर है, उसको भी कवर कर लें, अरे कवर कर लें। तो देखो अब हमको दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमको नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन के बारे में अगर हमारे पूछ दे तो क्या आएगा, तो देखो तो ये होगा आपका एक कंडीशन तो भैया ये RNH2 हो सकता है, तो वैसे ही दूसरा कंडीशन भैया एनिलिन तो हो सकता है क्या, ये लो बिल्कुल, आप बोलेंगे सर या बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, और एक कंडीशन एमाइड ग्रुप में भी तो होता है क्या, RCONH2, अरे क्लियर है, ठीक है भाई। तो देखो क्या होगा, तो यहां पर इसका वैल्यू ध्यान देना RNH2 का 1 से, ये वाला हाइड्रोजन का 1 से 5.5 के बीच आएगा, इसका वैल्यू जो होता है 3 से 5 के बीच आता है, और इसका वैल्यू आता है आपका, ठीक है, ये वाले हाइड्रोजन का वैल्यू आता है 5 से 8.5 के बीच, अरे क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे, यहां जब ये प्राइमरी एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है ये नाइट्रोजन, और तो उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने का मतलब है ये बहुत ही एक वीक ब्रॉड सिग्नल देते हैं, क्या देते हैं, एक वीक ब्रॉड सिग्नल, मतलब बहुत जिसमें ऑलमोस्ट अपीयर नहीं हो रहा है, क्या आप इंटरप्रिटेट नहीं कर पाएंगे, ऐसा टाइप का सिग्नल आपको 1 से 5.5 के बीच मिलता है, दैट मींस वो प्राइमरी एमीन के तरफ वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और वही सिग्नल अगर 3 से 5 के बीच आए तो एनिलिन का हो सकता है, 5 से 8.5 के बीच आए तो वो है एमाइड ग्रुप के नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है प्रोटॉन हो सकता है, अरे क्लियर है।
तो इन सब से मैं, इन तीनों डेटा से नाइट्रोजन वाले ग्रुप को मैं क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अरे क्लियर है भाई, ठीक है आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े तो अब बात करते हैं अपन एरोमेटिक रिंग की, ठीक है। चलिए देखना, एरोमेटिक रिंग की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आप बोलोगे कि सर बेंजीन में भी तो क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और ये सभी प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये जो आपका प्रोटॉन है इसका वैल्यू होता है 7.2। कहां पर आता है भैया 7.2। उसी के बाद अगर मैं बात करूं, आप बोलेंगे कि यहां पर ये एरोमेटिक तो हो गया, लेकिन ऐसा तो भी होता है क्या कि इसमें कोई ग्रुप जुड़ा हो। अरे नाइट्रो ग्रुप हो गया, फिनॉल मतलब ओएच ग्रुप हो गया, ठीक है साइनाइड ग्रुप हो गया, ठीक है क्लोराइड क्लोरीन हाइलोजन कोई भी ग्रुप हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जब रिप्रेजेंट होंगे तो इनके जो है हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है उसमें डेल वैल्यू में वेरिएशन आ जाएगा, और वो वेरिएशन क्या होगा तो इस कंडीशन पे ये डेल का वैल्यू, हाइड्रोजन का वैल्यू कहां चले जाएगा 6 से 8.5। अरे ठीक है कहां चले जाएगा भाई 6 से 8.5। और इसको मैं बाद में बताऊंगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे तो बढ़ेगा, कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। इनमें हम इनके कम होने को जो फिनोमिना है उसको हम फैक्टर अफेक्टिंग में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, ध्यान देना भाई, ऐसे ही कुछ रिंग होता है क्या पिरिडिन भी, ये लो ऐसा भी तो होता है पिरिडिन होता है क्या, तो पिरिडिन का वैल्यू क्या होता है, तो पिरिडिन के लिए बोला जाता है कि इसका वैल्यू 7 से 8.5 के बीच होता है। और ये 7 से 8.5 कैसे वेरिएशन होगा तो ध्यान देंगे आपको पता चलेगा कि यहां पर एक आर्थो वाले जो है प्रोटॉन है दो, और दो मेटा वाले और एक पैरा वाले, तो तीन अलग अलग टाइप के प्रोटॉन है। तो तीनों जो है आपके कैसे सिग्नल देंगे, आर्थो का सिग्नल ज्यादा डेल वैल्यू का होगा, और उसके बाद मेटा, उसके बाद पैरा। और क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर्थो वाले दैट मीन्स पास वाले के पास ज्यादा पड़ेगा, दैट मीन्स वो डिसील्डिंग जोन पे उसको ज्यादा ले जाएगा। अरे क्लियर है, ठीक है। देखिए क्या क्या बता दिया भाई, बेंजीन बेंजीन रिंग बता दिया, बेंजीन रिंग का एक और घटना हो सकता है बेंजीन बेंजीन के साथ, कि उसके साथ कोई ग्रुप लगा दे तो उसका वैल्यू बता दिया। अब बेंजीन टाइप के पिरिडिन भी होते हैं, ठीक है पिरिडिन में मतलब प्रोटॉन होंगे, तब उसका भी बता दिया। सबके वैल्यू देखो वही आसपास 7.2, 6 to 8.5, अब 7 से 8.5, ठीक है। ऐसे ही वैल्यू आपका एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी तो पढ़ते हैं क्या, ये लो। अरे ठीक है, इसमें भी तो एरोमेटिसिटी पाई जाती है, लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो एरोमेटिसिटी नेचर के कारण वो क्या डिलोकलाइज हो सकते हैं। इनका वैल्यू देखेंगे आप तो एक्स बराबर जब NH हो, एक्स बराबर जब ऑक्सीजन हो, और एक्स बराबर जब सल्फर हो तो क्या होंगे, तो इसको भी मैं याद करा देता हूं। जब NH होगा तो 6 से 7.0, ठीक है। जब ये आपका 7.0 सॉरी क्या बोलते हैं 6.0 ऑक्सीजन होगा तो इसका वैल्यू होगा आपका 7 से 7.5, और जब ये सॉरी 6 से 7.5, और जब सल्फर होगा तो ये हो जाएगा 7 से 7.5। मैं कैसे याद रखता हूं इसको, इधर दो पहले वाले बराबर, इधर दो पहले वाले बराबर, मतलब लास्ट वाले बराबर, और 7 तो आपका डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, हो गया मेरा याद, ठीक है भाई। तो ऐसे आपको सिंपल वे में याद रखना है ताकि आप कैसे इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक मेमोराइज रख सकते हैं, क्लियर है। अरे क्लियर है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बच क्या गया, तो आप बोलेंगे सर एल्डिहाइडिक कार्बोक्सिलिक ये सब चीजें अभी भी बच गई हैं, उसके बाद क्लोरोफॉर्म मेटल हाइड्राइड होगा तो कहां होगा, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि उनका वैल्यू कहां कहां पर आ सकता है। चलिए
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रॉपर अपने नोट जो है साथ में बनाते चले। ठीक है, चलिए देखिए। देखिए अब बच गया आपका एल्डिहाइड हाइड्रोजन, ये लो, और बच गया आपका आर सी ओ एच कार्बोक्सिलिक हाइड्रोजन, और बच गया आपका आर सी एच डबल बॉन्ड सी ओ एच इनोलिक हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है भैया एल्डिहाइडिक, ये क्या है कार्बोक्सिलिक, और ये क्या है इनोलिक, इनोलिक हाइड्रोजन। तो इनका वैल्यू क्या है तो ध्यान देंगे आप, एल्डिहाइडिक का जो वैल्यू होता है वो 9 से 10.5। अरे ठीक है, एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन का वैल्यू क्या होगा 9 से 10.5 के बीच आएगा, और ये जो आपका कार्बोक्सिलिक वाला होता है इसका वैल्यू आता है 10 से 12.5 के बीच, किसकी कार्बोक्सिलिक की, तो आपको इससे समझ जाना है। और इनोलिक होगा तो इनोलिक का इसका जो डेल वैल्यू है थोड़ा हाई आता है और ये होता है 13 से 18 के बीच। ये लो, ये भी आसपास की डेल वैल्यू रख रहे हैं एल्डिहाइडिक कार्बोक्सिलिक और इनोलिक, क्लियर है। इसके बाद बच जाता है आपका उसमें है CHCl3 क्लोरोफॉर्म वाला हाइड्रोजन का कितना आता है तो 7 से 7.5 के बीच आता है ये। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूं मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड, तो ये जो मेटल हाइड्राइड है उसका वैल्यू आता है आपका -30 से 60 ppm, बहुत लो से बहुत हाई भी हो जाता है, इसमें बहुत इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आपके वर्क करते हैं। ठीक है, इन चीजों को आप समझेंगे। अब आप बोलेंगे सर ये तो स्केल में नहीं आता, तो भैया सिग्नल कहीं भी आ सकता है, इंटरप्रिटेशन जो है उसके लिए 0 से 10 के बीच उनको लिया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद मेटल CH3 से जुड़ा हुआ तो क्या होगा, ये तो मेटल हाइड्राइड है, मेटल के साथ सीधा क्या, ये लो मेटल के साथ सीधा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, लेकिन जब मेटल के साथ हाइड्राइड जुड़ा हुआ हो तो इसका वैल्यू आता है 2.4 से 4.5 के बीच। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें तो एक चीज और छूट गया आपका, ये लो मेटल, ये लो, ठीक है, ये हो गया आपका ईटा 5, ये हो गया आपका ईटा 6, इसका वैल्यू जब होता है तो ये आता है आपका 4 से 6 के बीच, क्लियर है। तो ये आपके कुछ डेटा हैं केमिकल शिफ्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन के लिए कि उनका सिग्नल टाउ स्केल या डेल स्केल में, यहां पर तो मैं पूरा ppm में बताया हूं, मतलब मैं केमिकल शिफ्ट्स का वैल्यू बताया हूं, ठीक है, कि कहां कहां पर उनका सिग्नल आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आप याद करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक ये चीजें याद आपको नहीं होंगी आप डेटा इंटरप्रिटेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके आगे मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा जो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको इजी जाएगा, जैसे हम कपलिंग कांस्टेंट की बात करेंगे, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है डेटा इंटरप्रिटेशन में किसी कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्लियर है। चलिए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।